ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रेम कौशल ने पेट्रोल डीजल के दामों में 5 रुपए कटौती को ऊंट के मुंह में जीरा करा दिया है। कौशल ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि अगर सरकार सच में रेट कम करना चाहती है तो पूर्व यूपीए के समय सरकार द्वारा तय किए गए एक्साइज पर पेट्रोल डीजल के दाम तय करे। कौशल ने दावा किया है कि अगर सरकार ऐसा करती है तो हिमाचल में पेट्रोल डीजल के दामों में 15 से 20 रुपए की कटौती हो जाएगी। पिछले कल भारत सरकार ने डीजल और पेट्रोल के दामों में कुछ कमी की है। ये एक ऐसा मजाक हिंदुस्तान की सरकार ने इस देश के नागरिकों के साथ किया जिसकी जितनी मैं समझता हूँ कि बदसरना की जाए कम है। चारों तरफ से महंगाई की मार झेल रही जनता के साथ इससे बड़ा मजाक और कोई नहीं हो सकता कि आप हर दिन डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ाते 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 इनको 50 से आप 85 और 75 पे ले आए और उसके बाद आपने 1.5 रुपया कम करने की मेहरबानी कर दी, 1 रुपया आपने तेल कंपनियों से कम करने को कहा और 2.5 रुपये जो राज्य सरकारों ने कम कर दिए, कुल मिला के 5 रुपये की आपने कमी 85 रुपये तक पेट्रोल की कीमत और 75 रुपये तक डीजल की कीमत पहुंचाने के बाद की। और साथ के साथ तेल कंपनी ने जो 1 रुपया कम किया, आज 70 पैसे जो हैं वो फिर से तेल की कीमतें जो कंपनियों ने बढ़ा दी। तो क्या है ये, क्या हो रहा है? ये सरकार जो है वो एक तमाशा कर रही है। हर जो जितना इकोनॉमिक फ्रंट है, आर्थिक मोर्चे के ऊपर हर तरह से भारतवर्ष की सरकार जो है वो नाकाम हो रही है, विफल हो रही है। आज जो डॉलर है उसकी कीमत लगभग 74 रुपये पहुँच गई और पेट्रोल डीजल की जो कीमतें बढ़ रही हैं उसमें डॉलर की जो कीमत घट रही है उसकी भी एक भूमिका है। किसी चीज़ के ऊपर भारत सरकार का कोई नियंत्रण जो है वो रहा नहीं है। अगर भारत सरकार का जोर कहीं चल रहा है तो वो चल रहा है हिंदुस्तान की जनता के ऊपर महंगाई का चाबुक चलाने के ऊपर। तो ये जो कल इन्होंने कमी की है रेटों में, ये एक तमाशा है और एक जिसको कहते हैं कि ऊंट के मुंह में जीरा देने की जो बात है वो इस फैसले से साबित होती है। भारत सरकार से मैं ये मांग करना चाहता हूँ कि जब मोदी सरकार सत्ता में आई थी उस समय और उससे पहले मनमोहन सिंह की सरकार के समय में जो सेंट्रल टैक्स पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर था, पेट्रोल और डीजल के ऊपर था, उस स्तर पर सेंट्रल टैक्स को गवर्नमेंट लेके आए। अब देखेंगे कि अगर उस स्तर पर सेंट्रल टैक्स को गवर्नमेंट लेके आती है तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कम से कम 20 रुपए की कमी जो है वो तुरंत आपको देखने को मिलेगी। असली बात यह है कि जिस प्रोपोर्शन में जब मोदी सरकार सत्ता में आई क्रूड ऑयल की जो प्राइसेस हैं इंटरनेशनल मार्केट में कम हुए, उस अनुपात में सरकार ने उस वक्त पेट्रोल डीजल की कीमतें कम नहीं की। अगर 5-10 रुपये कम करनी थी तो 5 रुपये का टैक्स लगाया, 5 रुपये कम किए और जो 5 रुपये कम हुए जनता ने उसको नोटिस किया, 5 रुपये के टैक्स को नोटिस नहीं किया। अगर उसी प्रोपोर्शन में जैसे क्रूड ऑयल की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ रही हैं, अगर भारत सरकार जिस प्रोपोर्शन में उसको बढ़ाया था उस प्रोपोर्शन में उसको कम करे तो आज भी मैं कहता हूँ कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो हैं 50 और 60 के बीच में जो है वो स्थिर हो सकती है।